कप्पू देवर जी। हाँ जी। तितली दबोचली मेरे पंख दुखरे में आती हूँ जरा। पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं शिल्पा जी, ये जो शेर वाली बेल्ट लगाई ना। अच्छा खुद तो योगा करती, इनका शेर भी योगा वाला देख लो, सारी बॉडी पीछे मुंह खाली आ गया। शेर नहीं है, आप... शेर नहीं है। शेर नहीं है ये तेंदुआ है। ये अपना तेंदुआ लेके घूम रहे, हम अपना तोंदुआ लेके घूम रहे। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों। आप भी दादा हैं? अरे वाह दादा, आप भी बोल दो। आप भी अरे दादा ने अभी ना तितली को हक किया था ना, पूरा टाइट हक किया था, लेकिन फिर भी पेट की वजह से ना 2.5 फीट का फासला था। क्या करें यार, ये जिंदगी का आपाधापी ना, आपाधापी में इतने दो भाग में आपाधापी। हाँ हम कहीं पीछे छूट गए और पेट आगे निकल गया यार। दादा अच्छी बात है, आगे ही निकल रहे हैं ना हम। हाँ अच्छा, जैसे पाजी हमारे शो के आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों के फंक्शंस में जाते रहते हैं, वैसे ही बच्चों का सवाल था, ये पूछ रहे थे कि जैसे आपका शो इतना हिट है तो ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि हमारी बेटी का लेडीज संगीत आप तीनों आके जज करो। कभी ऐसे होता है दादा? मुझसे पूछे हैं। क्या बोलते हैं? आपका डांस क्लास किधर है? हमारे शो पे एक बच्चा भी है, वो इनको कोरियोग्राफर ही समझता है। अच्छा जी। पर वैसे गीता मैम आपको पता है ना कि जो आजकल नया ट्रेंड चला है, शिल्पा आपने भी देखा होगा, बहुत सारी शादियों में ना कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं और फिर सारे रिश्तेदारों को ना वो डांस एक ही स्टेप होता है, हालांकि वो शादी वाले दिन पूरा शिद्दत से खराब करते हैं। हमने भी मंगवाए थे एक कोरियोग्राफर ना मेरी शादी में। अच्छा, थे वो 4 दिन आते रहे, करते रहे प्रैक्टिस, चौथे दिन बोलते ऐसा है सर खुशी का माहौल है, खुशी मनाओ, ये स्टेप में कुछ नहीं रखा। बोला देखिए आपकी फैमिली तो जैसा नाचेगी नाचेगी हमारा करियर खराब होगा। तो हम करवा देते हैं, किसी को बताना मत किसने करवाया। तो ऐसे थे हमारे रिश्तेदार। ये जो शादियों की फोटो है ना, शिल्पा शेट्टी की शादी हो रही है, राज कुंद्रा, ब्यूटीफुल पिक्चर आती है। हाँ। असली पिक्चर देखनी, मैं दिखाता हूँ अपनी शादी की। वो जो टल्ली हो गए तेरी शादी में आया था, उसको टल्ली हो गए करके, वो पता नहीं कौन था, कोई क्या कह रहा था, कोई रिश्तेदारी था हमारा, क्या कह रहा था वो, रोज 5 दिन फंक्शन थे अमृतसर में, वो मेरी गर्दन पे पप्पी ले जाता था रोज। हाँ वो क्या करता था, एक तो दारू पी के आता था, ऊपर से वो चिकन खा के आता था, तो मिक्स सा कोई फ्लेवर आता था, और ऐसे बगल में आता था मुबारक हो। मैंने 6ठे दिन ना उसके भीड़ में मौका देखे, मैं कूनी मारी, तो उसको पता नहीं चला मैंने मारी, अब पता चल गया होगा अगर देख रहा होगा। तो मैंने कुछ खुद ही पूछा उनसे, दादा क्या हुआ, कहता यार पता नहीं कुछ लग गया है। पर लेकिन था कौन वो पता ही नहीं चला। कौन पप्पियां ले गया कोई पता नहीं है। अब मैंने सोचा इसलिए जाके ना सब इटली में जाके शादी करते हैं। पाजी आपको हाँ। पता है शिल्पा क्या करती हैं शो में, जैसे किसी बच्चे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती हैं। हाँ। पूरा ऐसे झुक के, अच्छा जितनी देर में झुक के वापस आती ना उतनी देर में एक और परफॉर्मेंस करके निकल लेता बच्चा। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम पुराना हो गया, किन कर्तव्य विमुख किंग योम उन। मतलब पर क्या है शिल्पा, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे भी नहीं समझ आया। मंच कंपन नृत्य प्रदर्शन, वाह वाह, भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन, ऐसा वाला लेवल चल रहा है। ये सारा मतलब तो मुझे लगता है बच्चन साहब का असर हो रहा है, पहले केबीसी भी आता था ना। बहुत बहुत नमस्कार, वो भी उनका भी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं बच्चन साहब, पर असर तो होता ही सेम चैनल पे है। दादा एक बात बताओ, जैसे गीता मैम और शिल्पा भी बहुत बात करती हैं और बड़ा प्यारा बोलती हैं, पर जब दो लेडीज इकट्ठी होती हैं तो आपस में बात करती थी, आप लेफ्ट आउट नहीं फील करते? बहुत करता हूँ सर। अरे मुझे तो कुछ समझती नहीं है दोनों, बस इसीलिए मेरा काम चल जाता है, क्योंकि खाने की अच्छी अच्छी चीजें आती है शिल्पा के पास, खाती तो कुछ है ही नहीं है। अब आपकी तरफ मैं, हाँ बस वही। ओहो अरे 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 दादा, ये दोनों तो ये पूछो क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा वायलिन बज रहा है और ये वापस जाएंगे तो हम बजाएंगे। अच्छा पाजी, गीता जहां पे भी जाती हैं इनको मतलब डांस की दुनिया में जो भी डांसर बनना चाहता है जो हैं वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इनको प्यार से माँ बोलते हैं, मतलब कोई भी शो हो किसी भी चैनल का हो ये माँ रहती हैं, लोगो चेंज होते हैं चैनल के, ये गीता माँ रहती हैं। आपको मेरा लोगो वही है। पर आपको आइडिया कितने बच्चे टोटल आपके? नहीं और
आई एम रेडी टू प्रोड्यूस मोर. देखो ये मावा ठीक है. नाउ शी हैज बिकम मिस कपूर. ओए होए होए जी. सुंदर टिकाऊ स्वस्थ लड़का चाहिए इनके लिए. टिकाऊ मतलब क्या? जो टिक जाए. जो टिका रहे. टिक जाए. इतने सालों से कोई टिक ही नहीं रहा. आप तीनों से सवाल है. जब आप किसी को जज करते हैं तो आप स्पेसिफिक क्या क्या चीजें देखते हैं? आपने काम बांटे हुए अपने? नहीं सर, मैं तो बस तारीफ ही करता हूँ कि गलती से कोई बुराई करूँ और बोल दे कि आप करके दिखाओ तो मैं क्या करूँगा. ये हम कभी कभी ना एक्ट के बाद एक दूसरे की तरह ऐसे देखते हैं कि हमारी औकात ही नहीं है हम लोग को यहाँ पे बैठना ही नहीं. सर पाजी, ये सीजन 3 में ना ऐसे परफॉर्मेंस हुए कभी नहीं हुआ है. हाँ, पूछ लीजिए एक बार शिल्पा जी, एक्ट कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? कपिल जी कैसे लगे आपको? कपिल दादा भी बहुत अच्छा करते हैं. हाँ, दादा ने आजकल दादा का वर्जन देखिए अभी. मेरा क्या वर्जन है? दादा शिल्पा जी ये मुझे नहीं आता. ऐसा आप इतने क्यूट लगते ना करते हो दादा. दादा मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप क्लास में ना जो सबसे शरारती वाले बच्चे नहीं होते. हाँ. जो घुन्ने शरारती होते हैं. हाँ. जो चुप चुप के शरारते करते हैं और मुंह बना के बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया वैसे टाइप. आप ऐसा रहे हो दादा अपने स्कूल टाइम में? अरे ये हद पार कर देते हैं. मतलब मैं क्या बताऊं, एक दिन क्या हुआ, इन्होंने मेरा फोन ले लिया और करण जौहर को मैसेज कर दिया कि आई एम रियली सॉरी, दिस इज रियली बैड न्यूज दैट आई हैव टू गिव यू और सम कुछ. पता नहीं कोई ऐसी अजीब सी कहानी बना दी कि दूसरा वाला मैसेज नहीं बोलेगी. पता नहीं क्या मैसेज वाज बेटर जो शमिता को गया. शमिता को जब मैसेज किया इन्होंने और बोला कि आई एम प्रेग्नेंट अगेन. आई हैव टू टेल यू आई एम प्रेग्नेंट. सब परिवार थोड़ा खुश हो गया सर थोड़ी देर के लिए. बुरा क्या क्या सब खुश हो गए. पेड़े बांटने भी शुरू कर दिए थे. मैं फोन रखती ही नहीं अभी इनके बगल में. कर लो हम ब्रेक ले लेते हैं. आप कर लो. अच्छा शिल्पा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ना भाई, हम सारी टीम चेक कर रही थी. क्या क्यों? आपको बताता हूँ ये क्या करती हैं शिल्पा. केक, पेस्ट्री, गुलाब जामुन. अच्छा खुद नहीं खाती? अरे खाती चला हफ्ते में एक बार, चीट डे ना. ये क्या संडे वाले एक दिन इतना सा गुलाब जामुन भी खुद ऑर्डर पे बनवाती हैं राजकुंद्रा को बोल के. इतना सा गुलाब जामुन रहता है. आई एम हैविंग स्वीट्स. तो फोटो डाल देती हैं उसकी जूम करके वहां पे. लोगों को लगता है हम भी खाएंगे, हम भी शिल्पा शेट्टी से. ये क्या करती हैं गुलाब जामुन ये सब डाल के ना, ताकि सारे देश की औरतें पतली हो ही ना, राजकुंद्रा का फोकस इन्हीं पर रहे. बड़ी चला के आप हफ्ते में एक गुलाब जामुन खा के इंस्टा पे डाल दिया. वो भी बेचारे बहुत डिप्रेस चल रहे. मेरी मार चार खाती रोज, कभी इंस्टा अकाउंट ही नहीं खुला. नहीं कपिल, वो भी बहुत डिप्रेस चल रहे आजकल. क्यों? दीपिका की शादी होगी बिल्कुल आपकी तरह, वो भी डिप्रेस है. अच्छा बड़ा मूड चल रहा था. मैं तो आपकी शादी के बाद भी बड़ा दुखी हुआ था. मैंने कहा पंजाबी से शादी करनी थी तो हमारा पंजाब का टेढ़ा. हम भी तो इधर ही थे पर बड़ा अच्छा लगा मुझे इसी बात की खुशी. चलो बनी तो हमारे पंजाब की बहू ना.